गाइस, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास फोर्थ का, इसका जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। देखिए चैप्टर का नाम है मोर ऑन विंडोज 7। इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो हम यहाँ पर देखेंगे, थर्ड चैप्टर का। देखिए पार्ट सेकंड में हम यहाँ पर अगला पॉइंट है वर्किंग विथ विंडोज 7, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर देखेंगे। और इस पॉइंट में ये जो फोर टाइप्स है, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, आइकॉन एंड टास्कबार, ये फोर पॉइंट्स का हम यहाँ पर आज अभ्यास करेंगे। तो देखिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं। वर्किंग विथ विंडोज 7, व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर द विंडोज लॉग इन सर्च अपीयर्स, देन वी क्लिक ऑन अवर यूजर आईडी एंड एंटर योर पासवर्ड। वी सी अ कलरफुल बैकग्राउंड हैविंग मेनी पिक्चर्स, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है उसे क्या, अगर हमने कंप्यूटर ऑन किया तो डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, उसमें हमें कई सारे आइकॉन्स दिखाई देते हैं। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अपीयर टू ऑन अ डेस्कटॉप, दे आर वॉल पेपर, स्क्रीन सेवर, आइकॉन एंड टास्क बार। ठीक है, यहाँ पर उसका पिक्चर्स देखिए, ये जो नीचे का है वो टास्क बार, ये जो है आइकॉन से, ये है, इसे हम वॉलपेपर कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें वॉलपेपर हम चेंज भी कर सकते हैं कई प्रकार के। वॉलपेपर इज द बैकग्राउंड पिक्चर डिस्प्ले ऑन अ डेस्कटॉप, इट कैन बी चेंज इजिली, हम इजिली चेंज कर सकते हैं। द वेरियस स्टेप्स ऑफ चेंज द वॉलपेपर आर लिस्ट बिलो, वॉलपेपर चेंज करने के यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन, उसके बाद क्लिक द कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल विंडोज अपीयर्स, क्लिक द एप्रेशंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी, हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद कंट्रोल पैनल ऑप्शन आएगा, उससे क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल पैनल में यहाँ पर एप्रेशंस पर्सनलाइज कैटेगरी, ये जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। एप्रेशंस पर्सनलाइज विंडोज अपीयर्स, सिलेक्ट द बैकग्राउंड पेज द पिक्चर लोकेशन लिस्ट, वहाँ पर इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक सेव चेंज विल, और उसके बाद सेव चेंज वन कहना है, यू विल रिटर्न टू एप्रिशियंस एंड पर्सनलाइज विंडोज। ठीक है, इस तरह से स्टेप वन, यहाँ पर स्टार्ट बटन, उसके बाद यहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल स्टार्ट बटन पे है आप आएगा, तो हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल, उसके बाद कंट्रोल पैनल के बाद स्टेप थ्री, यहाँ पर देखिए क्या है, एप्रिशियंस पर्सनलाइजेशन, ये स्टेप थ्री है। उसके बाद स्टेप फोर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। और स्टेप फाइव, यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा, हमें जो चाहिए वो बैकग्राउंड यहाँ पर क्लिक करना है और सेव चेंज कहना है, तो वॉलपेपर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर में अदर देन द वॉलपेपर देयर इज मूविंग एनिमेटिंग इमेज दैट अपीयर्स ऑन अ मॉनिटर, इट इज कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर किसे कहा जाता है कि ऑन द वॉलपेपर पे देयर इज मूविंग एनिमेटिंग इमेज, मूविंग एनिमेटिंग जो इमेज है उसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर। अ स्क्रीन सेवर अपीयर्स व्हेन अ कंप्यूटर हैज बीन आइडियल फॉर सम टाइम, द वेरियस स्टेप्स ऑफ चेंज अ स्क्रीन सेवर आर लिस्ट बिलो। स्क्रीन सेवर चेंज करने के कुछ स्टेप्स है वो यहाँ पर देखे, पहले क्लिक द स्टार्ट बटन, पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि क्लिक द कंट्रोल पैनल, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे हम स्टार्ट बटन क्लिक किया तो ये जो यहाँ पर ओपन, यह जो स्क्रीन पर ये जो ओपन होगा जो फाइल, उसके उसी में हम कंट्रोल पैनल पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद तीसरी जो स्टेप है वो देखिए, द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स, क्लिक एंड द अपीयर्स एंड पर्सनलाइज कैटेगरी, अपीयर्स एंड पर्सनलाइज कैटेगरी, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद फोर नंबर की जो स्टेप है, इस पर क्लिक करने के बाद जो विंडोज ओपन होगी
वहां पर क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन पर्सनलाइज विंडोज एंड अपीयरेंस, क्लिक द चेंज सेवर। यहाँ पे देखिए चेंज स्क्रीन सेवर, यहाँ पर ऑप्शन आएगा फोर स्टेप्स ऑन पर्सनलाइजेशन ग्रुप्स में। फाइव नंबर की जो स्टेप है यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट एनी स्क्रीन सेवर द चॉइस डिस्प्ले, यहाँ पर चॉइस डिस्प्ले यहाँ पर करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद सिक्स नंबर की टेप है, वी कैन ऑल्सो एडेड पासवर्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पर पहले फाइव नंबर की स्टेप, यहाँ पर स्क्रीन सेवर पे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सिक्स नंबर की स्टेप है, यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है सेवर द चॉइस डिस्प्ले। उसके बाद वी कैन ऑल्सो पासवर्ड एंड इंक्रीज द डिस्क्रीज द लेंथ ऑफ टाइम एंड अपीयर। और सेवन नंबर की जो स्टेप है वो देखिए, यहाँ पर जो ओपन होगा, क्लिक ओपन होगी, क्लिक अप्लाई एंड ओके बटन, पासवर्ड डाल के हमें यहाँ पर क्लिक अप्लाई एंड अप्लाई और ओके बटन यहाँ पर हमें दबाना है। इस तरह से स्क्रीन सेवर हमें दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक है आइकॉन। अभी कंप्यूटर पे जो हमें दिखाई देते हैं जो पॉइंट्स, ठीक है, उसे हम आइकॉन कहते हैं। जैसे कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसे हम आइकॉन कहते हैं। कंप्यूटर के हमने ओपन किया तो स्क्रीन पे यहाँ पर हमें आइकॉन्स दिखाई देते हैं। कौन कौन सा आइकॉन है देखिए, कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस तरह से आइकॉन। आइकॉन आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप, द रिप्रेजेंट प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर्स एक्सेट्रा। वी कैन ओपन अ प्रोग्राम बाय क्लिकिंग द माउस बटन ट्विस ऑन एंड आइकॉन, दो बार हमें माउस का बटन यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टास्क बार। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो यहाँ पर हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स दिखाई देती है, उसे लॉन्ग हॉरिजेंटल बार जो दिखाई देता है उसे हम टास्क बार कहते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ टास्क बार इज अ स्टार्ट बटन, और उसी पे स्टार्ट बटन रहता है। ठीक है, तो बच्चों हमने आज इसमें ये जो वर्किंग विथ विंडोज, इसके जो पॉइंट्स है फोर, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, आइकॉन और टास्क बार, इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी देखी है और इसके स्टेप्स भी हमने यहाँ पर देखे। तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा ऐसा मुझे लगता है। अगर ये वीडियो ऐसा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।